मीडिया संग खेलती सरकार है, व्यापार है, लुट रही खेती किसानी आभार है, व्यापार है। वो शायरी याद आती कि ऐसे माहौल में दवा क्या है, दुआ क्या है, जहां कातिल ही पूछे हुआ क्या है, हुआ क्या है। ट्विटर पे मोदी रोजगार दो, ये 20 या 21 तारीख से चल रहा है। 70 रुपए की टी शर्ट और ये नीचे 90 रुपए का ये लोअर, यही पहन के आते हैं हम लोग। 5 मिलियन जो ट्वीट हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं आखिर? 50 लाख लोग लगे हुए हैं ट्वीट करने के लिए, सब बेकार है क्या आखिर? यही ट्वीट अगर कंगना रनौत ने किया होता, रिहाना ने किया होता, ठीक है, दिलजीत दोसांझ ने किया होता, तो ये अभी तक हो जाता, मीडिया भी कवर करता, खूब हाईलाइट करता। फ्री कोचिंग और ये विद्यालय ये सब बताते हैं, तो सबसे पहले नेता अपने बच्चों को उसमें क्यों नहीं भर्ती कराते हैं? खुद बीआरपी क्लास का नाश्ता करते हैं ये लोग। बस हमें ये चाहिए कि दाढ़ी ना बढ़े, रोजगार बढ़े, हम लोगों को रोजगार मिले। आईएलओ की एक रिपोर्ट आई थी, मोदी जी इस साल के सबसे ज्यादा नौकरी खाने वाले प्राइम मिनिस्टर बने। ऐसे लोगों पर मानहानि का दावा होना चाहिए जो संसद में या विधानसभा में झूठ बोलते हैं कि मैंने करोड़ों करोड़ रोजगार दिया। ये लोग रंडुआ है, हम लोगों को भी रंडुआ रखना चाहते हैं, हम लोग रंडुआ नहीं रह सकते, ठीक है, शादी होनी चाहिए। अपनी योग्यता नेता दिखाए ना, स्मृति ईरानी जी दिखाए अपनी मार्कशीट, नरेंद्र मोदी जी दिखाए अपनी मार्कशीट, हिस्ट्री से एमए है। लोकसभा का रिजल्ट 1 महीने में आ जाता है रिजल्ट, और एसएससी का रिजल्ट आप जानते हैं 2 साल 3 साल। जो पकौड़ा बेचने का ज्ञान दे रहे हैं वो खुद क्यों नहीं पकौड़ा बेच लेते अपने अपने व्यवसाय छोड़कर? आत्मनिर्भर क्या करें, पकौड़ा बेचे, मैं भी दुकान खोल लूंगा, ये भी खोलेगा, ये भी खोलेगा। अगर सब लोग पकौड़ा बेचेंगे तो देश कौन चलाएगा? चंद्र चार नेता चलाएंगे देश। कि जुल्मी जब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा विद्यार्थियों के नारे से। मोदी जी वाह वाह, और जो सब चल रहा है इसमें रोजगार ही तो सृजन हो रहा है। हम लोगों के तरीके से नहीं रोजगार है, लेकिन हाँ उनके तरीके से हो सकता है रोजगार हो। राहुल गांधी पप्पू है ये नहीं है, वो हम बाद में तय कर लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री हमारा गप्पू है, इस बात को हम कह देना चाहते हैं। आज तक न्यूज में पैसे, इधर उधर की न्यूजों में पैसा बांटा जा रहा है, उसका एडवर्टीजमेंट चल रहा है, सरकारी नौकरी देने के लिए पैसे नहीं है। सरकार रोज एक योजना निकालती है, पहली बात सुबह सुबह उठते हैं मोदी जी तो उनको योजना दिखाई देती है। न्यू ईयर चला गया, होली अभी आई नहीं, उसकी होल्डिंग लग गई है, और 2018 का सीजीएल का रिजल्ट अभी भी पेंडिंग पड़ा है। अगर नासा का भी इंटरनेट लगवा दिया जाए ना, जिसमें 168 गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड आती है, तब भी आप फॉर्म उसमें नहीं भर सकते, नहीं भर सकते, नहीं भर सकते। तो नंबर लाना ये क्या काबिलियत का परिचायक नहीं है? क्या खुदा की तलवार है कि जो भी कहते हैं विकास हो गया तो हो गया? 15 साल हो गए हैं उसका एग्जाम नहीं करा पाए, ज्वाइनिंग तो छोड़ ही दीजिए, और उसको बर्खास्त कर दिए। ऐसे हैं नेता, हमारे देश के ऐसे नेता हैं, ये नेता किसी लायक हैं? एक दिन और 8 बजे आए और लोगों के बीच में अपने मन की बात ना करें, लोगों के मन की बात करें। मोदी एक कदम आगे हैं तो बाबा उससे भी ज्यादा 4 कदम आगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नशा का स्पेशल शो का मूडवा। आज हम ये जानेंगे जो लगातार ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, मोदी रोजगार दो, और इस तरीके का जो ट्रेंड है छात्रों का, वो लगातार कई दिनों से ट्रेंड हो रहा है, मगर क्यों ट्रेंड हो रहा है, किस लिए ट्रेंड हो रहा है, इसके लिए आज हम छात्रों के बीच चलेंगे। फिलहाल आपको मैं बता दूं, इस वक्त की जो करंट पोजीशन है इस ट्रेंडिंग की, वह इतना ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है मोदी रोजगार दो, जो कि लगातार नंबर 1 पे बना हुआ है। और इस अगर हम ट्रेंडिंग की बात करें तो इसमें एक और भी है, मोदी जॉब डू, यह भी लगातार ट्रेंड हो रहा है। और इस तरह के 2 ट्रेंडिंग अगर टॉप 2 में है तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर यह ट्रेंडिंग क्यों हो रही है और किस लिए हो रही है, छात्रों की क्या दिक्कत है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि मैं दिखाएं जरा हुजूम छात्रों का, ये वो छात्र हैं जो रोज़गार लेने के लिए खड़े हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर उनको रोज़गार कब मिलेगा, क्या है पूरा मामला, और क्यों इस तरीके से छात्र लगातार मुहिम चला रहे हैं और सरकार को बताना चाह रहे हैं ट्विटर के जरिए से, जहाँ से सरकार ट्विटर के जरिए तमाम वादे करती है, उसी वादों के जरिए फिर से ट्विटर पर छात्र भी अपना वादा पूछ रहे हैं, जो वादा किया गया था 2 करोड़ रोजगार से लेकर तमाम रोजगार देने का, 70 लाख उत्तर प्रदेश में रोजगार देने का, और 2 करोड़ हर साल केंद्र में रोजगार देने की जो बात कही गई थी, वह रोजगार कहाँ है, उसी ट्विटर के माध्यम से पूछा जा रहा है। तो आइए चलिए छात्रों के बीच चलते हैं और जानते हैं क्या है छात्रों का बात। यहाँ भी कई सारे लोग हैं, क्या हो गया ये बताओ मुझे, आप अब ट्रेंड करा रहे हो, आप लोग भी ट्वीट कर रहे हो? जी सर, ट्वीट कर रहे हैं, कर रहे हैं जी, बिल्कुल सर। क्या है मामला, क्यों कर रहे हो? सर इसमें बात है ट्रांसपेरेंसी की,
जो बच्चों ने सीजीएल 2019 में 200 में 200 स्कोर किया उनको भी सर फाइनल सिलेक्शन नहीं मिला, उनका भी कट ऑफ से बाहर हो गया। सर एक ये मुद्दा है, ऊपर से एग्ज़ाम का सर खिंच जाना, जो एग्ज़ाम 2018 में हुआ है 2021 में भी उसकी फाइनल डेट्स ना आना, सर हम लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि बच्चा करे तो क्या करे। सर 90% जो भी गवर्नमेंट जॉब के बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो एक मिडिल क्लास से या एक लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं सर, तो उनके पास कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होता सर, जिसकी वजह से उनको इसमें आना पड़ता है कि वो अपने परिवार को और अपने रिलेटिव को उससे सपोर्ट कर सके। लेकिन सर एक तरफ जब वो बच्चा अपने घर से किसी तरह पैसे जुटाकर यहाँ पे एनी हाउ सर बड़े शहरों में आकर कोचिंग करता है, क्लासेस करता है, मेहनत लगाता है, उसके बाद भी समय पे एग्ज़ाम ना होना, उसके बाद उसका समय पे रिजल्ट ना आना, सर ये सब चीज़ें उस बच्चे को सर बहुत हतोत्साहित कर देती है। जिन चीज़ों से हम लोग सर गुजर रहे हैं वो सर ये एक सरकारी स्कूल मतलब एस्पिरेंट ही समझ सकता है सर। लेकिन सरकार तो कह रही है रोज़गार खूब दिया जा रहा है। कहीं नहीं दिया जा रहा है, किसी को नहीं मिला सर 2018 रोज़गार। ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है इसमें भी तो रोज़गार ही तो सृजन हो रहा है। अब जो है मोदी जी बाबा और जो सब चल रहा है इसमें रोज़गार ही तो सृजन हो रहा है। हम लोगों के तरीके से नहीं रोज़गार है, लेकिन हाँ उनके तरीके से हो सकता है रोज़गार हो। कौन सा उनका तरीका है? उनका तरीका यही प्रोपेगेंडा फैलाना है, नाम चेंज करना है। यही अभी लखनऊ में हम बोल रहे हैं अभी हमारा नाम चेंज कर दें, तो ये सब इसके लिए IT सेल भी मजबूत करना पड़ता है और बाकी फंड वंड जुटाना पड़ता है, तो उनके हिसाब से हो सकता है। बहुत लोग जो पैसा सरकारी नौकरियों में आना चाहिए वो IT सेल को जा रहा है, न्यूज़ चैनल्स को जा रहा है। जो पैसा सरकारी नौकरियों में एम्प्लॉयमेंट करके देना चाहिए वो एडवर्टीजमेंट में जा रहा है, नाम बदले जा रहा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया जा रहा है और आज तक न्यूज़ में पैसे इधर उधर की न्यूज़ों में पैसा बांटा जा रहा है, उसका एडवर्टीजमेंट चल रहा है। सरकारी नौकरी देने के लिए पैसे नहीं है और इधर उधर एडवर्टीजमेंट करने के लिए घुस जाओ पूरे लखनऊ में देख लो कितनी होल्डिंग लगी हुई है। न्यू ईयर चला गया, होली अभी आई नहीं, उसकी होल्डिंग लग गई है और 2018 का सीजीएल का रिजल्ट अभी भी पेंडिंग पड़ा है। जो चीज़ हो ही नहीं उसका अभी से करा रहे हो, जो चीज़ हो चुकी है उसका आज तक रिजल्ट नहीं दे पाए, पता नहीं नौकरी क्या देंगे। क्यों भाई? बिल्कुल, और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कितना झूठ और कितनी निकृष्ट विचारधारा। 2016 के फॉर्म UP SSC 2016 का भी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, 2016 का आप समझ सकते हैं आज तक रिजल्ट नहीं, और किस मुँह से कह पा रहे हैं कि मैंने इतना रोजगार दिया, ये नहायत झूठ है। और मुझे लग रहा है किसी सत्तासीन व्यक्ति को इतना झूठ बोलना शोभा तो नहीं देता है कि आप मतलब सरेआम झूठ बोले करोड़ों करोड़ रोज़गार दिए, वो कौन सा रोज़गार है, किसको रोज़गार, कौन से लोग हैं जो रोज़गार परक बने हुए हैं। मेरे ख्याल में तो ये सब झूठ ही झूठ है, इसके अतिरिक्त सच्चाई इसमें कहीं भी नहीं। एक मुख्य बात और है सर कि सरकार कह रही है आत्मनिर्भर बनो। सर एक चीज़ सरकार ही बताए कि वो कह रही है आप बिज़नेस की ओर हमारा ध्यान है, सरकार ये कह रही है आप अपना बिज़नेस करिए। सरकार की नज़र में पकौड़े तलना भी एक बिज़नेस है, तो सर मेरा बस एक सवाल है सर कौन सा ऐसा बिज़नेस है जो स्टार्ट होते ही चलने लगता है? सर किसी भी बिज़नेस में रनिंग में 2 से 3 साल लगते हैं, बच्चा अपना 3-4 साल इधर उसने अपनी तैयारी में बर्बाद कर दिया है, फिर वो कोई बिज़नेस स्टार्टअप करता है 2-3 साल उसमें देता है, और सर उसके बाद भी अगर वो ना चला तो उसकी जिम्मेदारी सर किसकी बनती है? वो तो कर्ज़दार हो गया ना एक तरह से। सर PhD होल्डर्स भी यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी के फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं सर, ये है हम लोगों का रोज़गार का हाल। मैं सरकार से सर ये नहीं कह रहा कि आपके पास नहीं है, ठीक है, बट आप प्राइवेटाइजेशन में ही सर हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज तब खोलिए। सर एक यहाँ पे टेक्निकल डिग्रीज की उतनी मान्यता रही नहीं है सर, BA BSc BCOM वाला लड़का कहाँ जाएगा सर? कहाँ जाएगा भाई? BTech करके रोज़गार मतलब कह रहे हैं कि पकौड़ा बेचो, बताओ। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि रोज़गार उन्हीं को मिल रहा है जो काबिल हैं, जो लोग काबिल नहीं है वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अब 2018 वाली जो वीडियो की वैकेंसी आई थी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं करा पाए। हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, विद्यार्थी हैं। हम लोगों की बस यही मांग होती है, हमारे शिक्षक जो हैं वो रेगुलर कोचिंग चला रहे हैं, सारी वैकेंसीज जो आने वाली हैं और जो आ चुकी हैं उसके लिए कोचिंग चलाते हैं, मेहनत करते हैं, सुबह आते हैं। हम लोगों को स्पष्ट तौर पर केवल एक चीज़ चाहिए कि हम लोगों के लिए वैकेंसी आए और उस वैकेंसी का पूरा एक समय के बिल्कुल एक नियमित अंतराल पर कंसिस्टेंसी के साथ उसका पेपर कराया जाए, उसको रिजल्ट हो। ये नहीं कि आज पेपर हो रहा है, 6 महीने बाद रिजल्ट आ रहा है, जब उसके 1-2 साल बाद ज्वाइनिंग आ रही है, तो ये थोड़ा सा नियमित अंतराल पे। और एक विद्यार्थी होने के नाते हम कहेंगे कि जुल्मी जब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा विद्यार्थियों के नारे से। सरकार तो ये कह रही है कि रोज़गार लाखों लोगों को दे दिया गया और जिन लोगों को नहीं मिला उन लोग अपने काबिल नहीं हो पा रहे, रोज़गार के लायक नहीं हो पा रहे। नेता कौन काबिल है?
नेता कोई काबिल है? उनकी क्या वहाँ पे योग्यता है जो उस तरीके से हम लोगों को आकलन कर रहे हैं? हमारे बीच आए, हम उनको बताएंगे हम कितने स्पेसिफिक हैं इस एजुकेशन में, हम कितनी मेहनत करते हैं। जो कह रहे हैं कि जो है काबिल नहीं हम लोग, उनको बिठाई आजिए, बैठा दीजिए हमारे सामने, हम उनसे पूछ लेते हैं और वो हमसे पूछ लें, पता चल जाए। सौ नंबर लाना ये क्या काबिलियत का परिचय नहीं है? और ये कौन लोग हैं जिनको लाखों लाख रोजगार मिला है? सिर्फ उनका कह देना, क्या इस चीज का जो कह दिया वही हो गया? क्या खुदा की तलवार है कि जो भी कह दें विकास हो गया तो हो गया? क्या सर, ये चार सालों में सर वैकेंसी के नाम पे कुछ नहीं आया है सर? यूपी में आप 2017 के बाद से इन्होंने सर कहा था कि 1.5 लाख कांस्टेबल की वैकेंसी निकालेंगे, जिसमें से सर एक बार 42,000, उसके बाद 48,000, तीसरी कोई वैकेंसी ही नहीं आई है सर। टोटल सर 90,000 ही वैकेंसी आई, वो भी सर क्लियर नहीं हुई। बच्चे अभी भी ज्वाइनिंग लेके घर पे बैठे हैं। सर यूपी में सर चकबंदी लेखपाल का एक फॉर्म आता था 2019 में आया, उसकी सर 250 रुपये फीस थी, बच्चों ने उसको एक महीने तक भरा, उसके बाद वो फॉर्म निरस्त कर दिया गया। सर ये कितना पैसा सर बच्चे कहाँ से लाके दे? 1,000 रुपये के फॉर्म आ रहे हैं सर यूपी के, बच्चे कहाँ से भरेंगे? सर यूपी में 2006 में कनिष्ठ सहायक अधिकारी की वैकेंसी निकाली गई थी, उसका अभी तक एग्जाम छोड़ दीजिए, 2021 में उसे बर्खास्त कर दिया गया है। मतलब कितने साल हो गए, 15 साल हो गए हैं उसका एग्जाम नहीं करा पाए, ज्वाइनिंग तो छोड़ ही दीजिए और उसको बर्खास्त कर दिए हैं। ऐसे हैं नेता हमारे देश के, ऐसे नेता हैं ये? नेता किसी लायक हैं भाई? आप रोजगार की बात कर रहे हो, इनका जो बीजेपी गवर्नमेंट की जब से आई है सरकार, पहला इनकी पहली विज्ञप्ति थी युवा विकास दल अधिकारी, आज तक उसका फाइनल नहीं हुआ है, पहली भर्ती। आप सोच सकते हैं कि वो लाखों रोजगार जो बता रहे हैं वो या कोई भी, वो कहाँ कैसे दिया है, किसको दिया है? पहली भर्ती, आप समझ रहे हैं, आयोग की UP SSC की पहली भर्ती युवा विकास दल अधिकारी, अभी तक फाइनल नहीं है, अभी तक फाइनल नहीं है। और क्यों सर ये बताओ, बच्चों के बीच में और चलती है? बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ भाग के इधर पास में आओ सब लोग। यार ये बताओ कौन बोलो, अरे किसको तक, जिसको देखो भाई, जो जिसको अपना मुद्दा बताना है वो आ जाए आगे। अच्छा चलो मैं पूछ लेता हूँ, ये बताओ सरकार तो ये कह रही है कि जो रोजगार की बात हुई थी उस रोजगार की बात पर इतना सरकार काम कर दी है कि पहले प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं थी, अब सरकारी ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में नौकरी होगी और अच्छी नौकरी होगी, सरकार का ही कहना है? सरकार का कहना तो बहुत कुछ है, सरकार रोज़ एक योजना निकालती है। पहली बात, सुबह सुबह उठते हैं मोदी जी तो उनको योजना दिखाई देती है, और वो 2000 आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां देखेंगे तो 2017 से हर साल लगभग 3 से 4 मिलियन जॉब्स घट रही हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप जाइए डाटा चेक करिएगा, उसके बाद फिर आके बात करिएगा। सरकार से कहे कि एक बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। 2014 से लेकर 2021 चल रहा है, एक भी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। एक बार किए थे वो चुपचाप बैठे थे, कहे अमित शाह जी आप बोलिए। तो मोदी जी जो इतना आके 8 बजे बोलते हैं, एक दिन और 8 बजे आए और लोगों के बीच में अपने मन की बात ना करें, लोगों के मन की बात करें। लेकिन अभी सदन में योगी जी बोल रहे हैं, इस समय बोल रहे थे जब मैं आ रहा था, मैं सुन के आया हूँ, तो उसमें उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में भी रोजगार दिया गया। हाँ दिया है, दिया है लॉकडाउन में रोजगार। जो ये अडानी लोगों का आपकी बार ये बिका है एयरलाइंस वाला, वहाँ पे भी रोजगार छीना गया है, 150 लोग बाहर हुए हैं उस नौकरी से। तो ये जो रेट है आप देख लीजिए मनमोहन सिंह के सरकार के। और एक बात जान लीजिए, ये जो आईटी सेल वाले हैं, ये नेहरू ने क्या किया था 70 साल में पिछला क्या हुआ, ये भटकाने पे लगे हैं। लेकिन राहुल गांधी पप्पू है ये नहीं है, वो हम बाद में तय कर लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री हमारा गप्पू है, इस बात को हम कह देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हमारा गप्पू, केवल बात। अगर मोदी एक कदम आगे हैं तो बाबा उससे भी ज़्यादा 4 कदम आगे हैं। तो इस बात को हम कह देना चाहते हैं कि मतलब हम कोई पार्टी से नहीं है, कोई सपा भाजपा की, हम लोग विद्यार्थी और विद्यार्थियों को केवल एक चीज़ चाहिए, रोजगार। बस हम तैयारियों में कहाँ कमी रहेगी, एक प्रक्रिया के तहत जो प्रक्रिया होती है परीक्षाओं की, उसके तहत उन पेपर कराए। मोदी जी तो कह रहे हैं प्रक्रिया सब सही हो गई, अच्छी हो गई। कहाँ प्रक्रिया सही हो गई, कुछ भी तो नहीं चल रहा है। मतलब एक एग्जाम में 400-500 दिन देते हैं, फिर भी 2017 की ज्वाइनिंग लोगों की अभी भी इनकम टैक्स ऑफिसर बन चुके हैं, लेकिन जॉब नहीं दिए, कहाँ से उनका खर्चा चलेगा, कहाँ से घर वाले उनको पढ़ाते हैं, खेत बेच के जेवर रख के कैसे पढ़ाते हैं, कुछ पता चलता है उनको? बस आके बोल दिया, रात में 8 बजे आके मन की बात करते हैं, तो लोगों का सुनिए कम से कम। ठीक है सब मतलब बुरी तरह चल रहा है, पूरा प्रक्रिया चल रही है, वैकेंसी आ जाती है, क्लियर नहीं कराई जाती है। मतलब SSC में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, मतलब पुराने ढर्रे से चला जा रहा है, सबको नए तरीके से करना चाहिए, और हम लोग भी अच्छे तरीके से।
रखना चाहिए। इधर आइए, और भी एग्जाम होते हैं, यूपीएससी जैसे एग्जाम करवाती है, पहले अपना कैलेंडर निकालती है, हर एक चीज फिक्स होता है, एसएससी का कुछ फिक्स नहीं है, जब मन हुआ एग्जाम करा लेंगे। मेंस आपके पास सिर्फ 1-1.5 लाख बच्चे आप चूज करते हैं, उनका एग्जाम नहीं करा सकते। आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आपके पास कंप्यूटर नहीं है कि एक शिफ्ट में आप एग्जाम करा सके, 3-3 शिफ्ट कराते हैं, किसी का पेपर ऐसा बना देंगे कि कच्चा केजी का लड़का कर जाए, किसी का पेपर ऐसा बना देंगे कि वहाँ पीएचडी करने वाला भी नहीं कर पाए, और दोनों के बीच में इतना डिफरेंस हो जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में लगा, मतलब अब क्या बताएं। सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बन नहीं पा रहे। आत्मनिर्भर क्या करें, पकौड़ा बेचे, मैं भी दुकान खोल लूंगा, ये भी खोल लेगा, ये भी खोल लेगा। अगर सब लोग पकौड़ा बेचेंगे तो देश कौन चलाएगा? चंद्र चार नेता चलाएंगे देश? ये बताइए, सब पकौड़े बेचेंगे तो फिर क्या जरूरत है डिजिटल इंडिया की? क्या जरूरत है ये सब की भारत हमारा राष्ट्र नंबर एक बनेगा, विश्व गुरु बनेगा? ये सब फिर बातें छोड़ ही दीजिए, फिर पकौड़े बेचेंगे हम लोग? डिग्री का क्या काम रहा वहाँ पर? अगर पकौड़ा ही बेचना हुआ तो डिग्री का क्या काम हुआ फिर वहाँ पर? तो ग्रेजुएट क्यों कर रहे हैं सभी को, पोस्ट ग्रेजुएट क्यों कर रहे हैं, पीएचडी क्यों कर रहे हैं? पकौड़ा बनाने की एक यूनिवर्सिटी डाल दे कम से कम, हो सकता है उसी में एम्प्लॉयमेंट मिल जाए थोड़ा बहुत। और देखिए, और सवाल है अंततः, वो सरकार ये कह रही है कि चलिए बच्चे जो असमर्थ है नौकरी पाने में, वही उन्हीं को नौकरी नहीं मिल रही है, तो जो समर्थ है कम से कम उनके लिए तो चयनित प्रक्रिया सही करवा दें। सर हम लोगों की ज्यादा मांग नहीं है, सर कम से कम इसमें ट्रांसपेरेंसी तो करवा दें। जो 200 में 200 ला रहे हैं, आप नॉर्मलाइजेशन के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं, तो सर इसमें बताइए कि हम लोग क्या ही कर सकते हैं। सर जिस बच्चे की प्रतिभा बहुत अच्छी है, जो अच्छा पेपर कर सकता है, वो अपना 45 मिनट में पेपर करके बैठ गया, बचे सवा घंटे आपने उसका टैलेंट का यूज किया नहीं, उसका वो 1.5 घंटा सर वहाँ पे वेस्ट ही तो हुआ। तुम्हें क्या लगता है? सर हमको लगता है इनको नौकरी देनी चाहिए, सब बेरोजगारी पे इतना आदमी परेशान, 4 साल मेहनत कर रहा है, 200 में ऊपर नंबर ला रहा है, और सर उसका सब गांव जमीन सब बर्बाद पड़ी है, घर वालों से आस लगाए बैठे हैं, वो क्या करेगा सर, उसकी जिंदगी बर्बाद है। सरकार तो ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश और देश के नौजवानों के लिए और दिन रात काम कर रही है। सर काम क्या कर रहे हैं, गैया भैंसा चला रहे हैं क्या? हम लोग सर इंसान है, स्टूडेंट है सर, घर का हमारे पास जिम्मेदारी भी है, माँ बाप भेजते हैं बच्चे को कुछ करके लाएगा, अब सर हम लोग क्या गैया भैंसा यहाँ खिलाने लाएगा? चुनाव होता है, आप डेट दे देते हैं, पूरा प्रदेश में होता है चुनाव कि नहीं होता है, आप करवा देते हैं। आप एसएससी, जो एसएससी हम लोगों का करवाती है एग्ज़ाम, वो क्यों नहीं निश्चित करती है कि इतने दिन में हो जाएगा? 4 महीने हो गए रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है, 4 महीने से एग्ज़ाम ही चल रहा है। लोकसभा का रिजल्ट 1 महीने में आ जाता है रिजल्ट, और एसएससी का रिजल्ट आप जानते हैं 2-3 साल, और कहीं हाईकोर्ट चला गया तो आदमी मर गया। ये कैसा डिजिटल इंडिया है? सरकार तो ये कह रही है, अभी योगी जी कह रहे थे उत्तर प्रदेश में कि कुछ महीने के अंदर जितनी सरकारी नौकरियां खाली हैं सब भर दिया जाएगा, और उनका ये कहना है कि ये तो बहुत दिन से जब से कह रहे हैं नौकरी आ रही है, तो कौन सी नौकरी आ रही, किसको दी हमको निकाले चुनाव से पहले? अभी आज यूपीएसआई, योगी जी बात करते हैं, आज यूपीएसआई की वैकेंसी 3-4 सालों से आ रही है, आते आते नोटिफिकेशन आता है चला जाता है, वो डेली पेपर में निकलता है। एक लेखपाल की वैकेंसी आई थी, लेखपाल की वैकेंसी आने के बाद कैंसिल हो गई, ये टीजीटी पीजीटी अभी आई थी, आने के बाद कैंसिल हो गई चली गई, अभी उसका कुछ अता पता नहीं है कि आएगी नहीं। सर 2018 में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी दी थी यूपी की, वो सर फॉर्म हम लोग 1000 का डाल दिया, अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ, तब से 3 बार डेट दे चुके हैं सर। सर ये कंडीशन है, ये जो सर ये बोल रहे थे सर कि जब हमारी सरकार आएगी तो अमेरिका से सबको बुला लेंगे, सर वैकेंसी नहीं दे तो अमेरिका से बच्चे क्या खा जाएंगे यहाँ पकौड़ा बेचने वाले? और अगर बात योग्यता की है तो हम बात कर रहे थे इससे पहले, स्मृति ईरानी अपनी डिग्री दिखाएं, हमारी जो इस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है वो हिस्ट्री से एमए है, बताइए वो कैसे फाइनेंस को सही करेगी पूरे देश की? इंडियन इकोनॉमी जो है जो आज बिल्कुल जो मिश्रित बिल्कुल माइनस में चली गई, जिसको बता रहा आज बेरोजगारी का 9.8 पॉइंट के ऊपर है बेरोजगारी का जो रेट है, और यही पहले कितना था 2 पॉइंट कुछ था। तो आप इस तरीके से अपनी योग्यता नेता दिखाएं ना, स्मृति ईरानी जी दिखाएं अपनी मार्कशीट, नरेंद्र मोदी जी दिखाएं अपनी मार्कशीट, हिस्ट्री से एमए है, मनमोहन सिंह जी उस समय इकोनॉमिक क्या यहाँ पे व्यवस्था थी और इस समय क्या है, तो योग्यता की बात हम लोगों के बीच में, आप पेपर कराइए हम अपनी योग्यता जरूर जाहिर करेंगे, आप पेपर कराइए, वैकेंसी फुल नहीं होगी तब तो योग्यता हम लोगों के पास नहीं है, जब वैकेंसी फुल आप वैकेंसी दीजिए हम उसमें। 2016 में एसएससी में कम से कम 20,000 या 22,000 वैकेंसी आती थी, आज वही वैकेंसी टेंटेटिव आती है 1500-2000। अच्छा ये बताइए जो 1500 विद्यार्थी लिए गए उनका मतलब रिजल्ट मान लो क्वालिफाई भी हो गए सब कुछ हो गया, अभी तक उनकी ज्वाइनिंग तो मिली नहीं 2-3 साल, जो 1501 विद्यार्थी है जिसका 1501 नंबर है वो क्या मतलब जो है योग्य नहीं, उसकी योग्यता कैसे आप जानते? एक सवाल जानना चाहूँगा कि कहा गया था 2014 में कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, 2017 में संकल्प पत्र था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें कहा गया था 70 लाख रोजगार उत्तर प्रदेश में दिए जाएंगे, उसकी चयन प्रक्रिया बनाई जाएगी एक तरीके से। मैं यहाँ सारे स्टूडेंट उन सबसे जानना चाहूँगा, आप सब बैचलर सब लोग कम्प्लीट हो गए? सबके कम्प्लीट है। अच्छा ये बता दो कि 70 लाख और 2 करोड़ में कितने रोजगार मिले? 70 लाख में उत्तर प्रदेश, मैं आपको बता दे रहा हूँ,
रोजगार का जो बिल्कुल गिरता हुआ स्तर है, ये विद्यार्थियों में इतना आक्रोश है कि कोई दिखा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हम लोग पढ़ाई करते हैं यहाँ पे। हम लोग सड़कों पे उतर के दंगे फसाद करेंगे तो हम लोगों को चार्ज देना पड़ेगा, जमीन कुर्क हो जाएगी, क्योंकि हम लोग फिर आतंकवादियों में आ जाएंगे, आंदोलनजीवी कहलाएंगे, हम लोग आंदोलनजीवी कहलाएंगे। इसलिए एक टुकड़े टुकड़े गएंगे बहुत सारे, अरे हम लोग शिकार हो जाएंगे। इसलिए विद्यार्थियों में इसका बहुत आक्रोश है। अगर आप आंकड़ों की बात करने पर जाएंगे कि कितना रोजगार आया है, तो इस पर तो आप बिल्कुल बात ही ना, क्योंकि रोजगार उस तरीके से मिला नहीं है। और जो यूपी के वैकेंसी की बात है, यूपी तक की वैकेंसी में केवल 69,000 जो शिक्षक वाला भर्ती आया था, वो भी किसी तरीके से लटक पटक के, क्योंकि चुनावी साल है, आना तो है ही है, तो इसलिए उन्होंने किसी तरीके से करा दिया। लेखपाल का वीडियो का कहीं दूर दूर तक कोई वैकेंसी का वो है ही नहीं। यूपी पेट का अभी सिलेबस आया, क्योंकि चुनावी साल है, आना तो है ही है। तो क्यों सर, एक दिन हम जा रहे थे, मैं बताना चाह रहा हूँ, तीन चार लोग खड़े हुए थे ना, अचानक से इतना रोजगार मिला है, योगी और मोदी निकल रहे थे, उनके मंत्री लोग और पकड़ ले गए, बोले रोजगार देंगे रोजगार देंगे। हम लोग डर गए, इतना इतना अच्छा रोजगार मिला है कि इससे पहले आज तक हमने कभी नहीं देखा कि रोजगार भी मिलता है। आप इतना समझ लीजिए बस, बहुत परेशान। यूपी का इतना बुरा हाल है कि 2016 में वन विभाग का फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म पड़ा था, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो बताइए कि कहाँ से विकास हो रहा है? जो मोदी योगी कह रहे हैं कि बेरोजगार रोजगार देंगे, कहाँ से दे रहे हैं? तो हम लोग क्या करें? विकास के नाम पे सिर्फ विकास की गाड़ी पलटती है बस, और कुछ नहीं होता है। और कुछ नहीं होगा, सर ये देखिए जितने लोग यहाँ है सर, उसमें 90% सर मिडिल क्लास के लोग हैं। 2016-17 बंदे तैयारी कर रहे सर, वैकेंसी ना आने को 10-10,000 में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, और ये कहते हैं वैकेंसी दे रहे, कहाँ दे रहे भाई? सर अगर भाई तो मैं कह रहा हूँ कि जो पकौड़ा बेचने का ज्ञान दे रहे हैं, वो खुद क्यों नहीं पकौड़ा बेच लेते अपने अपने व्यवसाय छोड़कर? सही बात है, मतलब दूसरे को पकौड़ा बिछवाएंगे, खुद ना बेचेंगे भाई, वजह क्या है? और मैं एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों पर मानहान का दावा होना चाहिए जो संसद में या विधानसभा में झूठ बोलते हैं कि मैंने करोड़ों करोड़ रोजगार दिया। किसी भी प्रकार सर कोई रोजगार रोजगार नहीं मिला इनका, रोजगार फरवा चलाने को तो ये रोजगार मानते हैं। मनरेगा वाले लॉकडाउन के अंदर जो मनरेगा वाली वैकेंसी बता रहे हैं, उनको वही बता रहे हैं कि यही वैकेंसी है, हमने 3,00,000 वैकेंसी फुल करवा दी। भाई वो मजदूर लोगों को स्टूडेंट के तरफ नहीं तो बना रहे हैं, जैसे स्टूडेंट है। मजदूरी करना था तो मैंने ग्रेजुएशन क्यों किया? मैं बता रहा हूँ, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से फिजिक्स से MSc कर रहा था, मैं छोड़ के आया हूँ, क्योंकि मुझे अगर मैं MSc करता, PhD करता, उसके बाद भी जॉब नहीं मिलने वाली है, मुझे इस समय नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मैं छोड़ के फर्स्ट सेमेस्टर करने के बाद छोड़ के आया हूँ कि अब मुझे नौकरी चाहिए, जल्दी से जल्दी चाहिए। इतना प्रेशर है घर वालों का कि पूछिए मत। अब ये बताइए, मिडिल क्लास से मैं बिलोंग करता हूँ, ये 70 रुपये की टी शर्ट और ये नीचे 90 रुपये का ये लोअर, यही पहन के आते हैं हम लोग। हाँ, सुबह शाम ये जो मोदी जी आराम से बैठ के वहाँ बताते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, खुद VIP क्लास का नाश्ता करते हैं ये लोग। बस हमें ये चाहिए कि दाढ़ी ना बढ़े, रोजगार बढ़े, हम लोगों को रोजगार मिले और अपना फैशन कुछ भी करें, हम किसी से कोई विपक्ष, हम ना विपक्ष के तौर पर, हम केवल अपनी मांग डिमांड जो है हमारी बस। और ये विपक्ष की बात करते हैं, ये बार बार विपक्ष कहते हैं, विपक्ष से सवाल पूछो, विपक्ष से हम क्यों सवाल पूछे? वो विपक्ष क्यों बना? आप सत्ता में क्यों है? अगर उसने अच्छा काम किया होता तो आज वो सत्ता में होता, आज वो सत्ता में होता, आप सत्ता में ना होते। आप 5 सालों से लगातार जुमलेबाजी कर रहे हैं, वो एक बार अपने जुमले जो पीछे दिए हैं उनको एक बार खोल के YouTube के इतिहास में जाइए और देखिए क्या क्या बोला था आपने। ऐसा नहीं है, हम लोग यूपी में पुरानी वैकेंसीज को क्लियर नहीं कराया गया है और नया लॉलीपॉप थमा दिया गया है यूपी पेट, उसके थ्रू रेवेन्यू वसूलने का, कि साल में 2 बार कराएंगे, अच्छा रेवेन्यू वसूलेंगे और सारा सिलेबस इधर उधर करके बेवकूफ़ बना रहे हैं, सिर्फ रोजगार का कहीं हो गई क्या? लेखपाल की तरह कैंसिल कर दें। नहीं, नहीं, योगी जी ये कहें कि बच्चों को और मजबूत बनाने के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था कराई जा रही है। फ्री बता रहा हूँ ये फ्री कोचिंग, उनके सरकारी विद्यालय जो यहाँ पे हैं उसकी स्थिति जाके वो देख लें पहले, उसके बाद फ्री कोचिंग में कितनी पढ़ाई जाएगी ये भी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अगर फ्री कोचिंग में इतना बढ़िया व्यवस्था होती तो हम लोग प्राइवेट कोचिंग ना पाए। फ्री कोचिंग और ये विद्यालय ये सब बताते हैं तो सबसे पहले नेता अपने बच्चों को उसमें क्यों नहीं भर्ती कराते? भर्ती कराना चाहिए, जब बढ़िया इतनी बढ़िया कोचिंग आप जो है किए हैं तो आप जो है सब ये बंद करवा दीजिए, ये जितने थे IAS YAS की कोचिंग चल रही सब बंद करवाइए, सब उसमें भर्ती कराइए। सर जो ये हमारे नेताओं, ये विधायक लोग हैं और सांसद लोग हैं, इन लोगों के लिए भी कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना। जैसे हम लोग बताया जा रहे हैं कि हम लोग इस नौकरी के योग्य नहीं है, कोई भी किसी भी जॉब के जॉब किसी भी जॉब में हम लोग योग्य नहीं पाए जा रहे, तो उनके लिए कोई उनके लिए भी कोई ना कोई एलिजिबिलिटी लाई जाए। सर ये लोग रंडुआ है, हम लोग को भी रंडुआ रखना चाहते हैं, हम लोग रंडुआ नहीं रह सकते ठीक है, शादी होनी चाहिए ठीक है।
ये खुद रड़ुआ है उसी तरीके से हम लोग को बना रहे हैं, ऐसे कैसे चला आखिर? हम लोग की भी नौकरी चाहिए, उसके बाद शादी होनी है, 28 साल उम्र हो गई है, कब तक कैसे बर्दाश्त करेंगे आखिर? सरकार तो ये कह रही है जितने भी नौजवान हैं उनके लिए इतना काम किया जा रहा है कि पिछले 70 साल में इतना काम कभी हुआ ही नहीं। वो तो दिख रहा है अभी, ये इतने युवा आज 5 मिलियन जो ट्वीट हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं आखिर? 50 लाख लोग लगे हुए हैं ट्वीट करने के लिए, सब बेकार हैं क्या आखिर? पढ़ाई छोड़ करके ट्वीट सब कर रहे हैं हम लोग, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार मिल रहा होता तो हम लोग पढ़ रहे होते ना कि कुछ और कर रहे होते, ट्वीट करने पर मजबूर हम लोग ना होते, आज आपके सामने नहीं खड़े होते, क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग रोजगार की तलाश में हैं, इस वजह से जो है ट्वीट करना पड़ रहा है, कहीं धरना प्रदर्शन के लिए बहुत सारे, दिल्ली में देख लीजिए, इलाहाबाद में देख लीजिए आप, वहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन के लिए निकल रहे हैं, लेकिन हम लोग विद्यार्थी हैं, कुछ माँ बाप का भी जो है सोचना पड़ता है कि मिडिल क्लास से हैं, अगर हम कहीं बाहर निकले, कहीं चोट चपेट लग गई या कुछ हो गया तो उसका भी सोचना पड़ता है, इस वजह से धरना तो हम लोग कहीं सोचना ही नहीं चाहते कि धरना करें, लेकिन ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं। ट्विटर पे मोदी रोजगार दो, ये 20 या 21 तारीख से चल रहा है, ठीक है? और अभी यहीं पे यही ट्वीट अगर कंगना रनौत ने किया होता, रिहाना ने किया होता, ठीक है, दिलजीत दोसांझ ने किया होता, तो ये अभी तक हो जाता, मीडिया भी कवर करता, खूब हाईलाइट करता, मोदी जी भी रिएक्शन देते, कोई ना कोई मिनिस्टर आके उनको करता। अभी टूल किट वाला केस था, उस लड़की को बैंगलोर से उठा के लेके आए, अभी उसमें सब बवाल चल रहा है, दिशा को, ठीक है? लेकिन ये 20 तारीख से ट्वीट चलता है, आज ट्रेंडिंग पे नंबर 1 पे है, 5.54 मिलियन रीट्वीट्स हो चुके हैं, बट अभी भी किसी इस मुद्दे को नहीं उठा रहा। अभी देखिए, अभी अभी एक चीज मैं आपको, दो या तीन दिन पहले आईएलओ की एक रिपोर्ट आई थी, मोदी जी इस साल के सबसे ज्यादा नौकरी खाने वाले प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, नौकरी खाने वाले, ठीक है, बंगाल में कहते हैं बंगाल में बातें कैसे करते हैं, रोजगार मुक्त बंगाल, ठीक है, वही हाल यहाँ भी है, रोजगार मुक्त बंगाल, रोजगार है ही नहीं, ठीक है। हालत ये है कि पहले आप प्री दीजिए, फिर मेंस दीजिए, फिर उसके बाद इंटरव्यू दीजिए, फिर लाठी खाइए, फिर अनशन करिए सर, पाँच छः चरण में, और फिर उसके बाद घूस दीजिए, मतलब उसमें 3 चरणों की परीक्षा अब 7-8 चरणों की हो गई है सर, बच्चे सब साम दाम दंड भेद सब लगाते हैं, उस पर भी नहीं मिल रहा है सर। अब हम लोगों को पढ़ाई के साथ साथ सर लड़बाजी भी सीखनी पड़ेगी, धरने पे बैठना भी सीखना पड़ेगा, ट्विटर ट्रेंड कराना भी सीखना पड़ेगा, तो अब सर यही है हम लोगों का हाल। और कहते हैं कि प्रोसेस सब बहुत अच्छा हो गया है, आप SSC की वेबसाइट पर चले जाइए, कोई फॉर्म CGL का फॉर्म आता है, आप पहले एक हफ्ता नहीं भर सकते क्योंकि साइट इतनी हैंग रहती है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब पे अकाउंट है सबके मिलियंस फॉलोवर्स हैं। ट्विटर पे, फेसबुक पे पर डे कितना बंदा जुड़ता है, आपको कोई अंदाज़ा है उसका? CGL पे फॉर्म कितना पड़ता है, मैक्सिमम 20-25 लाख फॉर्म पड़ता है साइट ऑल ओवर इंडिया से, ठीक है? और साइट हैंग करती, पहले 7 दिन हैंग करेगी, आखिरी के 10 दिन तो आप आखिरी के 10 दिन अगर नासा का भी इंटरनेट लगवा दिया जाए ना, जिसमें 168 GB/s की स्पीड आती है, तब भी आप फॉर्म उसमें नहीं भर सकते। जब वो हम लोगों से पूछते हैं कि क्या योग्यता है, जैसा है के पास क्या योग्यता है, जो आज वो मोटेरा स्टेडियम में, जो कल की नरेंद्र मोदी स्टेडियम करके बैठा दिया गया है, पैसिफिक के CEO बना दिए, किसी एंड को जो क्रिकेट का एंड होता है वो किसी खिलाड़ी के नाम पे होता है, अडानी और रिलायंस एंड के नाम पे जो बना देते हैं, अरे भला हमारी तरफ थोड़ा सा ये देख लो। और कहते हैं हुआ क्या है, वो जाहिरी याद आती कि ऐसे माहौल में दवा क्या है दुआ क्या है, जहाँ कातिल ही पूछे हुआ क्या है हुआ क्या है। भैया मैं कहना घास छोल रहा हूँ, तो मैं अंग्रेजी में इसे कहते हैं रिसर्च, तो मैं PhD कर रहा हूँ, 4 साल हो गया है, 4 साल में एक वैकेंसी आई है, अभी एक छोटा सा गीत है, एक छंद पढ़ दूंगा, काम हो जाएगा, ठीक है? मीडिया संग खेलती सरकार है, व्यापार है, मीडिया संग खेलती सरकार है, व्यापार है, लुट रही खेती किसानी आभार है, व्यापार है, एक छंद है। आ रहे हैं बिल नए संसद भवन से, दे रहे थे मुफ्त में राशन इस जतन से, आ रहे हैं बिल नए संसद भवन से, दे रहे थे मुफ्त में राशन इस जतन से, नोचते मंडियों के भाव नौबत आ गई, नोचते मंडियों के भाव नौबत आ गई, बेचने को 1 बीघा भी जमी आ गई, मर रहा मंगू जमा लाचार है, व्यापार है, ठीक है साहब। मैं इन बच्चों के बीच में था जो तैयारी कर रहे हैं और देश को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जाता है ना कि जमीन से देश मजबूत होता है, इन्हीं युवाओं के कंधे से ही जमीन से देश मजबूत होता है, मगर इनके पास
मजबूत करने के लिए रोजगार नहीं है, उसी रोजगार के लिए लगातार ट्रेंड करा रहे हैं ट्विटर पर कि मोदी रोजगार दो, मगर मोदी जी अब समझें और उनकी सरकार समझें। फिलहाल योगी जी तो कह रहे हैं सदन में रोजगार हमने बहुत दिया, लेकिन यहाँ पे जो युवा हैं वो बता रहे हैं कि बता दीजिए कौन सा रोजगार आपने दिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।